फिरौन, फिरौन दुनिया में वाहिद इंसान गुजरा है जिसने कहा मैं ही खुदा। सजदा तो बड़े लोगों ने करवाया, कई मुसलमान बादशाह भी सजदे करवाते थे पागल, लेकिन मैं खुदा हूँ ये दावा एक इंसान ने किया और वो फिरौन है। अना रब्बुकुमुल आला का छोटा मोटा भी नहीं, सबसे बड़ा। उसकी बांदी मुसलमान हो गई। अब औरत कमज़ोर और बांदी हो तो और कमज़ोर। जर खरीदी हुई, खरी उस जमाने फरी लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे जंगों में, तो वो खरीदी हुई। फिरौन को पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो गई, उसने पकड़वा ली। उसकी दो बच्चियाँ वो भी बुला ली, एक दूध पीती एक साथ चलती। तो उसने आग जलवाई, ऊपर एक बड़ा बहुत बड़ी देग रखी कड़ा, उसमें तेल डाला। जब वो इसे खोलने लगा तो उससे कहने लगा अब अगर तू मुझे रब मानती है तो ज़िंदगी भी मुबारक, बच्चे भी मुबारक और तेरा घर भर दूंगा सोने से। अगर मुझे रब नहीं मानती है तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, अब तू सोच ले क्या करना है। तो एक सोच ये है कि पैसा आएगा मेरे काम बनेंगे, तो उसके लिए झूठ बोलना, नमाज छोड़ना, धोखा देना, फ्रॉड करना कोई मसला नहीं, क्योंकि पीछे जहन है कि पैसा आएगा तो काम बनेगा। एक जहन ये है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह राज़ी होगा तो मेरे काम बनेंगे, मेरा अल्लाह मेरा साथ मेरा साथी बनेगा तो मेरे काम बनेंगे। तो अपने आप सोच बदलेगी तो तरीका भी बदल जाएगा। यहाँ ये सोच बन गई है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, तो उसने कहा ये मेरी दो हैं, मेरे पास 100 भी होती तो अल्लाह पे कुर्बान कर देती। तो उन्होंने पहली बच्ची को पकड़ा जो चलती थी, उसने शोर मचाया माँ माँ कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, माँ के आगे बच्ची जलने जा रही हो, औरतें सुन रही हैं, तो किस माँ का जिगर है जो ये देख सके, ये बर्दाश्त कर सके। ईमान आला चीज़। तो सामने डाल दिया ऐसे जैसे मछली को नहीं तेल में डालते तो फ्राई होती है, तो ऐसे एकदम पूरी फ्राई हो गई तो जल के कोयला हुई। तो जब माँ का कलेजा फटा गम से, एक आंसू नहीं टपका, सबर की तस्वीर, अंदर तो अंदर ही हो तो फटो। कम गर्र सबरु का वब्तिसामु का साहिबा लम्मा रआहु फिल हशा मा ला युरा। तो अंदर जब फटा तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने ऐसे गैब का पर्दा हटाया और माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। वो मुस्कुराती हुई करे अम्मा सबर सबर, बस अभी इकट्ठे होने वाले, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्होंने मासूम को खींचा जिसको पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी ना निकली और वो तली गई और कोयला बन गई। और माँ खड़ी हुई है, एक बोल पे बचा सकती, एक बोल कुफर का बोल लेती और घर जाके तौबा कर लेती तो रास्ता मौजूद है, रास्ता मौजूद है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह पे मर मिटना वो ज़्यादा महबूब हो जाता है। तो भैया इसको पकड़ने लगे तो उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? उसने कहा, फिरौन ने पूछा क्या? कहा जब मुझे भी जला दो तो हम हमारी हड्डियाँ, मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा दबा देना, बाहर ना फेंकना, कहीं दबा देना। तो फिरौन ने कहा यह ख्वाहिश पूरी की जाएगी, उसको भी जला दिया, हड्डियाँ दबा दी। हमारे और हमारे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम में 2000 साल का फासला, फिर 40 साल नबूवत के, 40 साल वो, फिर 10 साल बाद मेराज, 50 साल, 2000 पे 50 साल गुजर चुके हैं। जब आपकी सवारी फलस्तीन पर पहुंची, आप मेराज के लिए जा रहे हैं, मक्का से उठाया मदीना पहुंचाया, दो नफल पढ़ाए, फिर फलस्तीन पहुंचाया, तो वहाँ से मिस्र करीब हो जाता है, तो वहाँ से आपको जन्नत की खुशबू आई। तो आपने जबरील से पूछा कि माली अशुम मोरी हल जन्ना, ये क्या हुआ मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, ये कहाँ से आ रही? तो जबरील ने बताया या रसूल अल्लाह फिरौन की बांदी अपनी बेटियों समेत जहाँ दफन है ये खुशबू वहाँ से आ रही है, जिस दिन दफन किया था उस दिन से आज तक ये आ रही है और ये आसमान तक जाती है। कितना
کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی ہے۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کر،